यू नो कल हमने आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा एंड आज हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं. कभी आप तलवार निकाल लेते हैं, कभी माइक, यू नो, और क्या क्या निकाल लेते हैं. पहला सवाल सर, अनफॉर्चुनेटली आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाते. पुनर्जन्म लेंगे, अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकाल लेंगे. नहीं सर, फिर भी नहीं करूंगा. यू नो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप, मतलब अक्षय जी, जब सवाल मेरा आपसे, यू नो आपने कई बार बताया है कि जिससे आपने एक्टिंग सीखी है, जो आपके गुरु हैं, वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी. हाल ही में उन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए उनका नाम आया है. तो अगर आप अपने कुछ ब्यूटीफुल अल्फाज उनके लिए कुछ अगर आप कह सकें. रितेश जी, आपसे भी, बॉबी जी प्लीज. मैं उनको फोन करके कह रहा हूँ. वीडियो गाइस, वीडियो गाइस कर लूँ, मुझसे कर लूँगा. अरे अक्षय सर, पूजा जी आपसे सवाल था. अक्षय सर के बारे में आपको तो पता ही है, वो प्रैंक स्टार के लिए अच्छे जाने जाते हैं. हर शूटिंग में वो करते हैं प्रैंक के लिए, प्रैंक करते हैं. तो आप तीनों ने क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा प्रैंक आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि हमेशा करते हैं वो. आई थिंक थैंक्स टू हिम, हम तीनों के हाथों में गोबर था एट वन पॉइंट. आपको याद नहीं है? वो गेम खेलते हैं कि लाइक ब्लाइंड फोल्ड अस और फिर हमें ऐसा मत कहो, बाकी पूरा कुछ फिल्म के बारे आए ना आए ये जरूर आएगा. उन्होंने एक दिन हम लोग सेट पे बैठे हुए थे तो बस बातों बातों में बोला तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में क्या लगता है, तीनों लड़कियों से पूछा. And that's how the prank started and it was all done in great spirit. So let's make that very clear. But yeah, he's one of the funniest people we work with and very respectful and very funny. Very, very funny. Okay, ek chance shuru kare, matlab aage badhne se pehle एक एक मीडिया वाले एक प्रश्न पूछे. भगवान का वास्ता है, तीन तीन लेके आया, वो तीन लाता है, वो तीन लाता है.